हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आज हमारे पास है यहाँ पे इस 2019 का सबसे फेमस डिवाइस, जो अब तक में जिसने सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है वो डिवाइस, रेडमी नोट 7 प्रो। जी हाँ, तो इस डिवाइस को मैंने फर्स्ट सेल में ऑर्डर किया था और ये डिवाइस मुझे मिल गया था। तो इस डिवाइस को यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 30 घंटे हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अब एक छोटा सा रिव्यू भी दे सकता हूँ इस डिवाइस का कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और क्या क्या कमियाँ लगी। हालाँकि कमियां बहुत कम हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि शायद आपको परेशान कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि Redmi Note 7 Pro डिवाइस से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत ही कमाल की वीडियोस आगे मिलती रहेंगी और हो सकता है कुछ गिवअवे भी मिल जाए आपको आगे आने वाले टाइम में। तो अगर बात करते हैं Redmi Note 7 Pro डिवाइस के बारे में, तो भैया आपको पता ही होगा कि ये कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर कर रहा है जो कि मार्केट में कोई और फ़ोन ऑफर ही नहीं कर रहा है इस बजट में। मतलब आपको एक धांसू डिवाइस मिल जाता है। मतलब अगर बात करें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो भैया Redmi Note 7 Pro विनर है इसमें एकदम से। फिलहाल कोई भी फ़ोन इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन ऑफर ही नहीं कर रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जब ये डिवाइस मैंने उठाया, यूज़ किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी धांसू डिवाइस मुझे सिर्फ 14,000 रुपये में मिल गया। वैसे 464 GB वाला वेरिएंट मैंने परचेस किया था और जो इसकी लुक्स और डिज़ाइन थे मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर बात करें इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस की LTPS LCD स्क्रीन मिलती है, जो कि ब्राइट भी है, बढ़िया भी है, कलर्स काफ़ी एक्यूरेट निकल के आते हैं। कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी कमाल का है इस स्क्रीन का। मेरे को ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यार, सीरियसली। अगर स्क्रीन क्वालिटी की बात आती है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। हालांकि स्क्रीन में एक बड़ा सा बग भी है, तो अगर आपको जानना है तो वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। बाकी ओवरऑल मेरे को ये डॉट नॉच भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त लगी, काफ़ी सही लगी मेरे को। नोटिफिकेशन आपको ईजिली दिख जाते हैं स्टेटस बार में, जो कि भैया पोको F1 के साथ इशू था कि उसमें आपको नोटिफिकेशन भी नहीं दिखते थे स्टेटस बार में, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको इनफ नोटिफिकेशन दिख जाते हैं। अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है आगे और पीछे दोनों की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी कमाल की फिनिश मिलती है, ग्लास बैक मिलता है और यार ओवरऑल डिवाइस एकदम प्रीमियम बन जाता है। और बात करते हैं वहीं पे अगर कैमरा की, तो जी हाँ, कैमरा यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है, काफ़ी बढ़िया लगता है, देखने में प्रीमियम लगता है, सब कुछ बहुत सही है। लेकिन जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है, तो जो इसके साथ डिफ़ॉल्ट केस दिया गया है ये उससे बाहर निकल जाता है। तो जब आप इसे टेबल पर रखते हैं ऐसे, तो ये वहाँ पर घिसता है टेबल पे। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दूसरा केस यूज़ करना चाहिए, आपको जो बॉक्स के अंदर केस मिलता है उसके अलावा कोई अच्छा केस लेना चाहिए जो कि थोड़ा कैमरा को भी प्रोटेक्ट करे, या फिर आप हो सकता है कोई कैमरा प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कैमरा के ऊपर कोई स्टिकर भी लगा सकते हैं जिससे कि आपका कैमरा प्रोटेक्टेड रहे, नहीं तो कुछ टाइम के बाद इसमें हो सकता है स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप कोई दूसरा बैक कवर यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। बाकी ओवरऑल अगर बात करते हैं कैमरा की, तो हाँ, कैमरा काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे आपको सोनी IMX 586 सेंसर दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, जो कि यार अपने आप में काफ़ी कमाल की बात है। हालांकि 48 मेगापिक्सल की इमेजेस आप डेली कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। ये एक तरह से हाइप थी बहुत बड़ी कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। हाँ, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है, लेकिन 48 मेगापिक्सल की इमेजेस आप प्रैक्टिकली कैप्चर नहीं करेंगे। बट हाँ, भौकाल मारने के लिए, अपने दोस्तों से बताने के लिए, हाँ भाई 48 मेगापिक्सल का है कैमरा तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसमें काफ़ी कमाल के बोके इफेक्ट वाली इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसके थ्रू आप बढ़िया सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं कैमरा में फीचर्स की, तो भैया इस डिवाइस में आपको कैमरा के अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके कैमरा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बात करते हैं थोड़ा सा और हम कैमरा के बारे में, तो अगर चलते हैं इसके इंटरफेस में, तो इसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स की अगर बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको नाइट साइट दिया गया है, नाइट मोड दिया गया है, आप रात के टाइम पे भी थोड़ा ब्राइट इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और साथ में आपको प्रो मोड दिया गया है, जिसमें कि आप शटर स्पीड, ISO, वाइड बैलेंस, फोकस, इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें वीडियोज़ में आपको 1080p वीडियोस आप 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, 4K वीडियोस 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है इस बजट के डिवाइस के लिए। और वहीं पे आप 120 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ आती हैं यार। तो EIS भी दिया गया है इसमें,
तो ओवरऑल मतलब वीडियो और फोटो के मामले में इससे कोई शिकायत नहीं है फिलहाल अभी, जितना मैंने इसे यूज़ किया है काफ़ी बढ़िया इमेजेस और वीडियोस ये कैप्चर करके आपको दे देगा। अब वहीं पे अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग पावर की, तो भैया इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट, जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड एक काफ़ी कमाल का चिपसेट है। 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड है, ये एक ऑक्टाकोर चिपसेट है और इसमें आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर आप गेमिंग करते हैं तो मतलब आप इस डिवाइस को ले सकते हैं, आप गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को ले सकते हैं। पबजी, एशफॉल्ट 9, इस टाइप के गेम्स इजीली रन कर जाएंगे इसमें। हाईएस्ट सेटिंग पे प्ले करेंगे तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मीडियम सेटिंग्स पे अगर आप प्ले करते हैं तो भैया आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा और हीटिंग इशू आपको इसमें ना के बराबर देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ऑप्टिमाइज चिपसेट आपको इसमें दी गई है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। और अगर बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो रैम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू है, शाओमी को इसे शायद फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐप्स रीलोड हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद, अगर हम ऐप्स को ओपन करते हैं तो रीलोड हो जाती हैं, तो शायद थोड़ा सा MIUI एग्रेसिव है इस मामले में, ऐप्स को किल कर देता है बैकग्राउंड में, तो शायद थोड़ा सा उसे मतलब संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा भी कुछ फिक्सेस करने पड़ेंगे इनके डेवलपर्स को। हालांकि मेरे पास जो वेरिएंट है 464 GB वाला है और इसी के साथ यहाँ पे 8 128 GB वाला वेरिएंट भी है जो कि सेल पे आएगा। फिलहाल तो मेरे पास यही वाला है, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आसानी से फिक्स की जा सकती हैं। और वहीं पे अगर बात करते हैं तो इस डिवाइस में आपको कैमरा DPI बाय डिफॉल्ट इनेबल मिलती है, तो इसलिए आप गूगल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अभी तक जो मैंने जितने भी गूगल कैमरा पोर्ट्स इसमें ट्राई किए हैं, यूज़ किए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल कोई मिला नहीं। तो क्योंकि नया डिवाइस है तो अभी डेवलपर्स काम कर रहे होंगे, थोड़े टाइम में इसके लिए काफ़ी कमाल का एक स्टेबल कैमरा पोर्ट मिल जाएगा और बहुत जल्द मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि गूगल कैमरा के लिए आपको एंड्रॉयड पर बहुत जल्द वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस के लिए। तो कैमरा DPI इनेबल है, इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप बहुत सारे कैमरा ऐप को यूज़ करके आप वीडियोस में भी मैनुअल कंट्रोल का मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि सिनेमा FV5 ऐप हो गया, वो भी इसमें काम करता है और उसमें मैनुअल फोकस, ISO, इन सब चीज़ों को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही इस डिवाइस में आपको वाइडवाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है बाई डिफॉल्ट, इसका मतलब आप इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, इन जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज में फुल HD में कॉन्टेंट को प्ले कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इसमें वाइडवाइन L1 का जो सपोर्ट है वो हार्डवेयर लेवल पे है, यानी कि हार्डवेयर लेवल पे कैपेबल है प्ले करने के, लेकिन जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उन्होंने इसे अभी वाइट लिस्ट नहीं किया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, तो उसने अभी इसे वाइट लिस्ट नहीं किया है अपने एंड से। तो जब तक वो वाइट लिस्ट नहीं करेगा, नेटफ्लिक्स को आप इसमें फुल HD में अभी भी प्ले नहीं कर सकते हैं, वो अभी भी लिमिटेड है इस डिवाइस में 540p के रेजोल्यूशन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि शाओमी या फिर रेडमी बात करके मामला सुलटा लेंगे और नेटफ्लिक्स भी आप इसमें फुल HD में देख पाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे आपको सपोर्ट इसमें दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और गाइस अगर बात करते हैं इस डिवाइस में सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और साथ में फेस अनलॉक भी दिया गया है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है जो कि आपके फ्रंट कैमरा को यूज़ करता है और आपके फेस को रिकग्नाइज करता है, आपके डिवाइस को अनलॉक करता है। तो अगर बात करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट काम करेगा इसमें, तो फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही कमाल का है। फेस अनलॉक भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल जाएगा, मतलब 0.5 सेकेंड का आपको डिले देखने को मिल जाएगा फेस अनलॉक में, बट एटलीस्ट आपको रिकोगनाइज कर लेता है, अनलॉक कर देता है और बंद आंखों में रिकोगनाइज नहीं करता आपको, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। अब यहाँ पे इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि आप 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ही वाईफाई बैंड्स को ये डिवाइस सपोर्ट करता है, दोनों ही वाईफाई बैंड्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस को, और वहीं पे इसमें डुअल वोल्टी का भी सपोर्ट दिया गया है। अब इसका चार्जिंग टेस्ट मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, अभी तक मैंने इसकी पूरी बैटरी को ड्रेन नहीं किया और ना ही इसे फुल चार्ज किया है, तो उसका वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा आपके लिए। और यहाँ पे मैं क्विक चार्ज 3.0 सर्टिफाइड चार्जर से इसे चार्ज करके देखूंगा कि भैया कितनी जल्दी ये फुल चार्ज होता है, क्योंकि क्विक चार्ज 4.0 सर्टिफाइड चार्जर तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था वैसे, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ कार्ड्स में उसका लिंक दे दूंगा आपको। और एक बात और अच्छी लगी मुझे कि भैया इसमें आपको टाइप सी फाइनली मिल जाता है, यानी कि रेडमी नोट सीरीज़ में आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब तक जितना मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है, पाया है कि भाई इस बजट में इससे अच्छा कोई भी डिवाइस आज के टाइम पर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ इश्यूज भी मैंने फेस किए इस दौरान यूज़ करने के दौरान। उसके साथ यहाँ पे जो एक मेजर इशू मैंने फेस किया है इसकी स्क्रीन पे,
अब ये मेरे यूनिट के साथ इशू आ रहा है, पता नहीं आप लोगों के साथ हो रहा है ऐसा इशू नहीं हो रहा है, आपके फ़ोन में हो रहा है नहीं, बट आप मुझे टेस्ट करके ज़रूर बताना। जब हम फ़ोन में ब्राइटनेस को एकदम से डाउन कर देते हैं, एकदम लोवेस्ट पे ले जाते हैं, रात के टाइम पे सपोज़ मैं यूज़ कर रहा था मैं डिवाइस को, तो उस टाइम पे एकदम से डिम कर दिया था इसकी ब्राइटनेस को, तो उस टाइम पे स्क्रीन फ्लिकर होती है, और बहुत ज़्यादा फ्लिकर होती है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फ्लिकर होती है। जैसे ही आप ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इंक्रीज़ करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, कुछ फ्लिकर नहीं होगा, लेकिन जब आप ब्राइटनेस को एकदम से कम कर देंगे तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा फ्लिकर करती है, नोटिस होती है आपकी आंखों से इजीली। और इसी के साथ जब आप वाइट स्क्रीन पर रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही नोटिस होती है, जब आप किसी ब्लैक स्क्रीन पर या फिर कुछ कलरफुल स्क्रीन पर रहते हैं थोड़ा कम नोटिस होगा, लेकिन जब आप वाइट स्क्रीन पर रहते हैं तो आपको कहीं ज़्यादा ये फ्लिकरिंग नोटिस होती है। तो ये मेरे यूनिट के साथ इशू है, अब आपके साथ है या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसी के साथ एक कमी और मुझे ये लगी कि Redmi Note 5 Pro जब मैंने यूज़ किया था, अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसे घर पे रखा हुआ है, तो उसमें क्या था कि एक ही टाइम पे आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को यूज़ कर सकते थे, यानी कि किसी वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं तो उसको भी अपने हॉटस्पॉट के थ्रू उसी टाइम पे शेयर कर सकते थे, दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो जाती थी, लेकिन इस फ़ोन में ऐसा नहीं है। आप एक टाइम पे या तो वाईफाई यूज़ कर सकते हो या फिर आप हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो, वाईफाई ऑन करोगे तो हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा, हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो वाईफाई बंद हो जाएगा। तो ये मेरे को थोड़ा सा कमी लगी, क्योंकि चिपसेट तो आई थिंक कैपेबल है इसके, अब पता नहीं क्यों Xiaomi ने या फिर Redmi ने इसे इनेबल करके नहीं दिया, इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसे इनेबल करते हैं नहीं करते इसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro में ये सपोर्ट था तो यार इनको देना चाहिए। Redmi Note 6 Pro में था या नहीं था मेरे को नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने उसे नहीं यूज़ किया था, लेकिन Redmi Note 5 Pro में ये सपोर्ट है। अब जो अगली बात मुझे नहीं पसंद आई वो आप सबको पता होगी, भैया इसमें जो MIUI के ऊपर एड्स आते हैं, अब इसमें एड्स आते हैं तो आते हैं, उसके ऊपर कंपनी मतलब फ़िलहाल तो कुछ नहीं करने वाली। मनु कुमार जैन जी ने भी साफ साफ कह दिया था कि भाई ठीक है रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम लोग तो चलता रहेगा, उन्होंने भी बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया था एक इंटरव्यू में। तो एड्स के ऊपर तो भैया हमें अपने से ही काम करना पड़ेगा, यानी कि एड्स डिसेबल कर सकते हैं आप, इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ था और बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोज़ को देख के एड्स को डिसेबल कर सकते हैं, आपको एक एक करके ऐप के अंदर जाके एड्स को डिसेबल करना पड़ेगा। बट MIUI के ऊपर एड्स मतलब मेरे को सही नहीं लगते, और इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि Xiaomi इसे बंद करेगा। तो गाइस ये था मेरा Redmi Note 7 Pro का एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी तक इसे यूज़ किया है, तकरीबन 30 घंटे यूज़ करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।